राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख गुरिंदर सिंह ढिल्लन और उनके परिवार का कहना है कि उनका मलविंदर सिंह और शिविंदर सिंह की कंपनी RHC होल्डिंग्स का कोई बकाया नहीं है। ढिल्लन ने शनिवार को दिल्ली हाई कोर्ट में यह दावा किया। ढिल्लन ने कहा कि RHC होल्डिंग का दावा झूठा है। अदालत ने RHC होल्डिंग से जवाब मांगा है। कंपनी ने ढिल्लन पर रकम बकाया होने का दावा किया था। अदालत ने दोनों पक्षों को एफिडेविट देकर दावे पेश करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। पंजाब के पशुपालन मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ने एक बयान में विवाद आ गए हैं। अंडे को सरप्लस उत्पादन के बावजूद खत्म नहीं बढ़ने पर उन्होंने बाबा रामदेव से टीवी पर सार्वजनिक रूप से अंडे खाने की अपील कर दी। मंत्री ने कहा कि अगर बाबा रामदेव टीवी पर अंडे बेचना शुरू कर दें तो लोग ज़रूर खाना शुरू कर देंगे और इतनी सेल बढ़ जाएगी जिसका मुकाबला अमिताभ बच्चन भी नहीं कर पाएंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना गठबंधन को ऐतिहासिक जीत मिलने की संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन 288 सदस्य विधानसभा में 221 सीटें जीतने के कांग्रेस के रिकॉर्ड को तोड़ देगा। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही। नीदरलैंड के थिंक टैंक का मानना है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अगले सप्ताह पेरिस में होने वाली बैठक में एशिया पैसिफिक ग्रुप की तीखी नाराजगी के बाद भी पाकिस्तान को ग्रे सूची में बन रहे की संभावना बनी हुई है। यूरोपीय फाउंडेशन फॉर साउथ एशिया स्टडीज ने कहा है इस बात का संदेह है कि पाकिस्तान में वास्तव में FTA की आवश्यकताओं का पालन करने के प्रति गंभीर नहीं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आधिया शेट्टी अभिनीत मोतीचूर चकनाचूर 15 नवंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। अभिनेता अभिनेत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शादी पर आधारित अपनी विचित्र हास्यप्रद फिल्म का पहला ट्रेलर रिलीज करने की तारीख साझा की। Electronics Shopee, J&K's biggest mobile wholesale cum retail outlet.